अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज बेलगाम में सहाफियों पर हो रहे हमले की मजम्मत करते हुए सहाफियों की लेबर प्रेस एसोसिएशन की जानिब से डीसी बेलगाम को मुतालबा पेश करते हुए मौजूदा हुकूमतों में सहाफियों का तहफ्फुज़ भी अहम मसला है बताया। इस वक्त बेलगाम शहर और ज़िला के दीगर नामनिगार भी शरीक रहे। हासिल इत्तला के मुताबिक न्यूज़ फर्स्ट के नामनिगार को हावेरी में किसानों के एहतजाज पर रिपोर्टिंग करते हुए सहाफी पर हमला किया गया है, लिहाजा इस तरह की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है। संविधान का चौथा सुतून सहाफत को कहा तो जाता है, लेकिन जो भी हक बात करता है या फिर हुकूमतों की मुखालफत करते हुए सत्ता से सवाल पूछता है तो इस पर हमला हो जाता है, इनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। पहले सिर्फ कुछ रियासतों में इस तरह की वारदातें देखी जाती थी, लेकिन अब पूरा मुल्क इसकी चपेट में आ चुका है। और अब तो मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी ने सहाफियों पर हमले और इनकी गिरफ्तारियों को लेकर आलमी सतह पर भारत को कड़घरे में खड़ा कर दिया है। आलमी सतह पर कई सहाफियों की तंजीमों ने भारत में मोदी हुकूमत में बढ़ते सहाफियों पर हमले और इनकी गिरफ्तारियों पर फिक्र का इजहार किया। आज ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर को अदालत में पेश किया गया। आज एक और अहम बात यह रही कि दिल्ली में मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस की जानिब से प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में इकट्ठा होकर मौजूदा हुकूमत की मजम्मत की और खासकर ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर पर कार्रवाई को गलत कहा। द वायर के सिद्धार्थ वरदराजन ने कहा कि जुबैर फैक्ट चेक करता था और कई साजिशों का पर्दाफाश भी इन्होंने किया है और यह सहाफत यानी पत्रकारिता का अहम हिस्सा है और सहाफी का फर्ज भी है। असलियत और सच्चाई को सामने लाया जाए, कुछ मुतालबात और तजवीज पेश की गई जिसमें मुल्क भर में बढ़ते सहाफियों पर हमले और इनको धमकाने और गिरफ्तार करने की वारदातें किसी तरह कम हो जाए। मुल्क भर के मशहूर सहाफियों के साथ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, दिल्ली जर्नलिस्ट यूनियन, DGPB, IWPC और दिगर मीडिया से जुड़े नामों हस्तियों ने इसमें हिस्सा लिया। बीते कुछ सालों में भारत में सहाफियों पर कई संगीन हमले हुए, यहाँ तक कि कई सहाफियों को अपनी जान की कुर्बानी भी देनी पड़ी। मोदी सरकार आने के कुछ ही देर बाद ही बेंगलुरु में लंकेश की मुदरी अलग और लंकेश का कत्ल, श्रीनगर में शुजात बुखारी और कई सहाफियों का कत्ल किया गया, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। बल्कि दूसरी तरफ जो आज़ाद और हुकूमतों से यानी कि सत्ता से सवाल करते हैं, असलियत और सच्चाई को सामने लाते हैं, इनके बारे में कुछ मुतालबात और तजवीजें पेश की गई जिसमें मुल्क भर में बढ़ते सहाफियों का कत्ल तक कर दिया गया, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। बल्कि दूसरी तरफ जो आज़ाद और हुकूमतों से सत्ता से सवाल करते हैं, इनकी गिरफ्तारियाँ ही अमल में आई। सरकारी जुल्म बढ़ रहा है, यह भी कहा गया। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के सदर उमाकांत लखेड़ा ने कहा कि मुल्क भर में सहाफियों के खिलाफ एक तरफा हमले हो रहे हैं। दूसरा, जहां दुनिया भर में कोरोना की पाबंदियां हटा दी गई है, लेकिन भारत में आज भी कोरोना के नाम पर सहाफियों को पार्लियामेंट में मीडिया गैलरी के करीब जाने नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत इस तरह हमलों से सहाफियों को डराना चाहती है। जो भी हो, भाजपा और अख्तदार पजीर हुकूमतों के झूठ को बेनकाब करते हैं, इन पर कार्रवाई की जाती है, इन्हें सच्चाई से डर लगता है। सिर्फ जुबैर ही पर जुल्म नहीं हुआ है और ना ही जुबैर को जेल भेजा गया, बल्कि पूरी सहाफत और मीडिया को हुकूमत ने जेल भेज दिया है। मैं जुबैर के मामले को लेकर आवाजें उठ रही है, पर यह आवाज बहुत पहले उठनी चाहिए थी। इसी तरह गौरी लंकेश की भी आवाज को दबाने की कोशिश की गई है और इन्हें कत्ल भी कर दिया गया। पहले एकाध वारदात पेश आती थी, लेकिन आज अगर कोई गोदी मीडिया का हिस्सा नहीं रहता तो इन्हें जेल या फिर जान से हाथ धोना पड़ रहा है। हक की आवाज को बुलंद करने वालों पर हो रही ज्यादती पर आलमी सतह पर भारत की तस्वीर कलंकित हो चुकी है। दुनिया भर में अकलियतों के साथ सहाफत पर कैसे इख्तदार पजीर हुकूमत जुल्म के नाखून लगा रही है, इस पर भी खूब चर्चा हो रही है। लेकिन भाजपा और मोदी हुकूमत तमाम बातों को नजरअंदाज कर अपनी उसी जालिमाना रविश पर गामजन नजर आ रही है। भारत में इस वक्त कई सहाफी जेलों में बंद है, कश्मीर के तो कई सहाफी जेल में बंद है, जबकि केरल के सिद्दीक कप्पन को साल 2020 में अक्टूबर में उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए एक अस्मत रेजिक के बाद कत्ल के मामले के खबर के सिलसिले में यूपी गए थे। कप्पन तभी से UAPA के तहत जेल में है। योगी आदित्यनाथ का यूपी इन मामलों में अव्वल नंबर पर है और अब कर्नाटक भी कोई पीछे नहीं है, तीसरा नंबर हासिल करते हुए देखा जा रहा है। हावेरी के इस वारदात से पहले भी कई सहाफियों पर कार्रवाई की गई। जहां भी भाजपा की हुकूमत होती है, या तो भाजपा की जय जयकार करते रहो और जो भी मालिदा मिलता है उसे कमाई समझ कर लेते रहो खामोशी से। अगर आप सहाफत से इंसाफ करने की जुरत करते हुए भाजपा, संघ परिवार या हिंदुत्ववादियों के खिलाफ रिपोर्ट करते हो तो इंतजामिया पर दबाव डालकर झूठे मुकदमों में फंसाया जाता है। इन तमाम मामलों के मद्देनजर मुस्लिम समाज की बात भी जरूरी हो जाती है। अब जाहिर है भाजपा की मुखालिफत में बोलना इसका मतलब ही मुसलमानों के हक में बोलने के बराबर है। सभी जानते हैं कि ज्यादातर निशाने पर मुस्लिम समाज को लिया जाता है और यही भाजपा हिंदुत्ववादियों की खुराक भी है। जब तक मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोला जाएगा, सियासी कारवां आगे बढ़ ही नहीं सकता।
और यकीनन कुछ हद तक ये भी खुश आइंद बात है कि कुछ सहाफ़ी जो आज भी इनकी ज़ालिमाना साजिशों का मुकाबला करते हुए जेल जा रहे हैं, पर क्या जिस समाज के लिए इतनी बड़ी जोखिम कोई सहाफ़ी या मीडिया हाउस उठाता है तो इस माशरे का रद्दअमल भी बिल्कुल मुर्दे की तरह नज़र आता है। इसे कुछ भी लेना देना नहीं है। कभी भी मुस्लिम समाज की तरफ से किसी मीडिया के लिए ना तो आवाज़ उठाई गई और ना ही इसकी हिमायत करते हुए देखा जाता है। आज भी अखबार के कुछ रुपये देने से सीधा इनकार यही माशरा करता है जिनके लिए आवाज़ उठाई जाती है, और इतना बेहिस किसी और माशरे को नहीं देखा जा सकता। और ये तजर्बा मुझे खुद भी हो रहा है। हमारा बहुत ही छोटा मीडिया हाउस है, मुसलमानों के साथ दलित पिछड़े तबकात के लिए बोलने की कोशिश कर रहे हैं, हम भी कुछ बहुत बड़ा कोई तीर नहीं मार रहे, लेकिन कभी ताउन की उम्मीद आप इस माशरे से नहीं कर सकते सिवाय कुछ एक लोगों को छोड़कर, लेकिन दिगर माशरे में बहुत हद तक ये बेदारी देखी जाती है। तभी तो कोई भी मीडिया मुस्लिम समाज में पनप नहीं रहा, क्योंकि इसकी अहमियत आज भी इस माशरे को नहीं है। जाती तौर पर शादी, जश्न, बर्थडे पार्टियां, पिकनिक, सैर तफरीक और न जाने क्या क्या इस माशरे की मसरूफियत है। लाखों रुपए वहां फूंक दिए जाते हैं, लेकिन मुस्लिम समाज के हक में कोई मीडिया हाउस जद्दोजहद कर रहा है तो इन्हें किसी तरह का ताउन नहीं दिया जाता, बल्कि अखबार के तक पैसे नहीं दिए जाते। अक्सर लोगों को मुफ्त अखबार पढ़ने की आदत है, पैसे पूछो तो अखबार बंद करने की बात कही जाती है। अब इस माशरे पर कितना भी मातम मनाए कम ही है, लिहाजा जो भी मीडिया हाउसेस मुसलमानों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, और ऐसे दौर में जब मोदी योगी अमित शाह के खिलाफ आवाज उठाना गोया जेल जाने की तैयारी करने के बराबर है, और खासकर मुस्लिम माशरे के हक में बोलना कोई भी नहीं चाहता, लेकिन कुछ लोग बात कर रहे हैं और यह बहुत बड़ी बात है। मीडिया भी अलग अलग धड़ों में बंटा हुआ देखा जा सकता है। वैसे तो गोदी मीडिया और सत्ता से सवाल करने वाला मीडिया ऐसा बंटवारा हो चुका है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया। प्रिंट मीडिया का दौर भी खत्म होता जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी जवाल पजीर है क्योंकि लोग टीवी तक जाकर खबर देखना नहीं चाहते। फिलहाल सोशल मीडिया का दौर है और यहाँ भी मुकाबला लगा हुआ है, खासकर मुस्लिम सहाफियों पर हमले बढ़ चुके हैं, ये भी अहम बात है। लिहाजा कुछ मुसलमान भी भाजपा की नहज पर काम करते हुए देखा जा रहा है, या तो फिर मौजूदा हालात पर बोलना ही नहीं चाहते, कोई भी अब हुकूमत से पंगा लेना भी नहीं चाहता। मुस्लिम सहाफियों में ऐसे भी हैं जो मुसलमानों पर हो रहे जुल्म पर बोलकर हुकूमत की नाराजगी नहीं लेना चाहते, बहुत कम हैं जो मुसलमानों के हक में बेबाक और बेखौफ होकर बोलते रहते, इसकी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। खासकर जो भी मुसलमानों के हक में बोल रहे हैं इनके पीछे खड़े होने की हिम्मत दिखाए, क्योंकि इस माशरे की आवाज कोई बनना नहीं चाहता, हमें खुद अपनी आवाज बनानी पड़ेगी, क्योंकि आने वाले दिन और भी सख्त होंगे जिस पर संजीदगी से सोचना होगा। यही आज का पैगाम है। अब अहम खबरों पर एक नजर। अहम खबरों में सबसे पहले बात करते हैं शहर और अतराफ में धुआंधार बारिश की। आज दिन भर में मुसलसल बारिश रही, कुछ देर रुक कर बारिश गिरती रही, लेकिन आने वाले कुछ दिन मुस्तकिल बारिश होने की रिपोर्ट मौसम की जानकारी में दी जा रही है। कोंकण महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा, कर्नाटक के बेलगाम समेत दीगर जिलों में जोरदार बारिश होने के इम्कान पेश किए जा रहे हैं। आज बारिश की वजह से बाजार में चहल पहल कम दिखाई दे रही थी। मानसून की आमद से किसान के चेहरे पर मुस्कुराहट तो है, लेकिन बारिश रहमत बनकर बरसे जहमत नहीं, ऐसी भी दुआएं की जा। आज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से मसाइल पर मुतालबात पेश करते हुए मरकजी और रियासती हुकूमत की पुरजोर मजम्मत की, जिसमें खासकर अग्निपथ स्कीम को लेकर कहा कि फौजियों की जिंदगी बर्बाद करने वाली योजना को लेकर मोदी हुकूमत आ चुकी है, लिहाजा इसे फौरी तौर पर रद्द किया जाए। इसी तरह नई तालीमी पॉलिसी को भी रद्द करने की मांग करते हुए भाजपा तालीम का भवाकरण कर रही है, लिहाजा नई तालीमी पॉलिसी में बहुत खामियां हैं, इसे भी रद्द किया जाए। डिसबेलगाम को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सदर रोहित चक्रवर्ती ने मुतालबा पेश किया। बारिश का दौर जारी हुआ है तो सड़कों पर हादसे भी नजर आने लगे। हाल ही में आसाम की बाढ़ ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया है, लिहाजा बेलगाम गोवा सड़क पर भी जमीन खिसकने के या पहाड़ धसने के वीडियोस वायरल होते दिखाई दे रहे, लिहाजा ये वीडियो गोवा बेलगाम सड़क का बताया जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र का होने की बात कही जा रही। ऊपर मत जाओ, ऊपर मत जाओ।
साल तक एसपी के अहदे पर खदमात अंजाम देने के बाद डॉक्टर लक्ष्मण निम्बर्गी का तबादला हुआ है और इनकी जगह पर संजीव पाटिल ने जिम्मेदारी संभाल ली है। अपने 3 साल में काफी बेहतरीन और अच्छे तजर्बात बेलगाम में होने की बात लक्ष्मण निम्बर्गी ने बताई। बेलगाम कॉरपोरेशन इंतखाबात में काफी वक्त गुजरा पर अभी भी कॉरपोरेटरों को दाखिला हासिल नहीं हुआ है, लेकिन अब जल्द कॉरपोरेशन में जाने का मौका मयसर हो सकता है, इसे उम्मीदें नजर आ रही है। लिहाजा आज तमाम कॉरपोरेशन के मौकमात में मुख्तलिफ कामों को अंजाम देने वाले मुलाजमीन का तारुफ कॉरपोरेटरों से करवाया गया। ये भी सुनने में आ रहा है कि जल्द मेयर का चुनाव अमल में आएगा, फिर कॉरपोरेटरों को भी उनका हक मिलेगा, यानी कि दाखिला मिलेगा, क्योंकि अब तक कॉरपोरेशन के मसाइल पर मशवरा या तबादले ख्याल या जिम्मेदारियां मुंतखब शुदा कॉरपोरेटरों को नहीं दी गई। मुसलमानों को परेशान करने के लिए नए कानून तो बनाए जाते हैं, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स भी नजर आ रहे हैं। कुर्बानी को लेकर सिर्फ भैंस ही जबा कर सकते हैं का कानून तो मंजूर हुआ, पर कैसे किसान इससे परेशान है, आइए देखते हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನೀಗ ನನ್ ಏನ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ನಂದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಕ್ ಬಂದ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹುಷಾರಿಲ್ದ ಎತ್ತ ತಗೊಂಡ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ ವಿಸ ಕೊಡಿಬೇಕ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಿ ಕುರ್ಚಿಂದು ನಾಲ್ಕನೇ ಮಾಡಿ ಮೂರನೇ ಮಾಡಿ ಕುತ್ಕೊಂಡವ್ರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬಂದವ್ರ ದಿವಸ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿನ ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಅದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಬಂದು ತಗೊಂಡ್ ಹೋಯ್ತ ಹೊಟ್ಟೆ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಲಿ ಅವ್ಕ ರೈತ್ರು ಯಾರು ತಗೊಂಡಂಗ ಇಲ್ಲ ಅವರೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಾಮಾಯಿ ಸಾಹೇಬ್ರೇ ಒಂದ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮನವೇ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಬಸವಣ್ಣನ ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ತವರು ಜಿಲ್ಲೆದಾಗ ನೀವು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಸವಣ್ಣ ಬಾಮಾಯಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಮನವೇ ಬಂದು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೈತರು ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಹೇಳಿ ಖುಷಿಯಾಗಿಲ್ಲ ನಾ ಎತ್ ತಗೊಂಡೇನೆ ನಿಮಗ್ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ ನೋಡ್ರಿ ನೀವ್ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಾಡ್ರಿ ಕಷ್ಟ ಐತಿ ಕಷ್ಟ ಐತಿ ನಾವ್ ತನ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೇವಿ ನಮಗ್ ಹೋಗ್ ಬೇಕಪ್ಪ ನಾವ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತ ನಿಮ್ ಇದ್ರಿಗೆ ಮತ್ತ ನಾನು ಇಷ್ಟನೇ ಪಡಿತೇನೆ ಮತ್ತ ಬಸವರಾಜ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ನಿಮಗ್ ಮನವೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಮ್ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕುಡಿದ ಕುಡಿದ ಮತ್ತ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಮತ್ತ ನೋಡ್ರಿ ಬಾಯ ಮತ್ತ ಹಾಕ್ತವೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಮಾಡ್ರಿ ನಾವ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಜನಗಳು ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಕುಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಕುಡಿತೇವೆ ನಿಮ್ ಇದ್ರಿಗೆ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ನಿಮ್ ಮನವೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ನಮ್ ತವರು ಜಿಲ್ಲೆದಾರ ನೀವು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ನೀವು ತವರು ಜಿಲ್ಲೆದಾರ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಮನವೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೈತರು ಜಾನುವಾರು ಕೊಡ್ಬೇಕ ಬೇಡ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಷ್ಟ ನೋಡಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಕುಡಿಯೋ ಚಾಚಿ ಅಲ್ಲ ಹೀವಾಗಿ ರೈತರಿಂದ ವಿಷ ಕುಡ್ಸಕ್ಕಂತದ ಈ ಎತ್ತುಗಳು ಯಾರು ತಗೊಂಡಂಗಿಲ್ಲ ರೈತ ಒಬ್ಬ ತಗೊಳಕಾಗಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾಗಿದಾವ ಕಟ್ಟಕ್ ಬಿಟ್ರೆ ಒಬ್ಬನು ತಗೊಳಕಾಗಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಸರ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮನವೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು